हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा ब्लॉग में। आज हम आपको अंडा फ्राई कढ़ी बनाना बताएंगे। आइए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखिए अंडा, ये आलू, हरी मटर, ये मसाले में हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ये पीसी हुई मसाले हैं। चलिए दिखाते बनाते। हमने तवे के तेल को रख लिया। मैसे फोड़ेंगे इसमें। एक बार में एक ही अंडे को फोड़ना है। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। इसी में से हम थोड़ा कम नमक मिला लेते हैं। अब इसे हम ऐसे डाल देंगे। फ्राई हो गया अंडा। अब इसे काट लेंगे, थोड़ा और लाल कर लेते हैं और तवे पे भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए हम तवे पे डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक नमक डालेंगे। हमारा अंडा फ्राई हो रहा है। देखिए अंडे को पलट दिया हमने। सारे अंडे को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। हमारा सारा आमलेट फ्राई हो चुका है। हमने अंडे को फ्राई कर लिया है। कढ़ाई को रख लेंगे गैस पे। तड़के के लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है। जीरा, लहसुन, टमाटर, धनिया, लाल मिर्च, खड़ी वाली और प्याज को। अभी से हम जीरा से तड़का लगाएंगे। तेल गरम हो रहा है। इसमें डालना है जीरे को। इसमें डालेंगे लाल मिर्च। अभी तो हम भूनेंगे। हमने तड़का लगा दिया है। हमारा प्याज भून चुका है। इसमें डालेंगे टमाटर को। अभी से भी भूनेंगे प्याज के साथ। हमारा भून चुका है। इसमें डालेंगे सारे मसाले। डाल दिया हमने मसाले। अभी तो भूनेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा। सारे मसाले को ऐसे ही भूनेंगे कुछ देर, जब तक तेल ना छोड़ने लगे। हमारा मसाला भून चुका है। इसमें डालेंगे मटर और आलू को। अभी तो चलाएंगे। डालेंगे पानी को। अब जितना काढ़ा रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी को डालेंगे। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बाद में आमलेट को डालेंगे। ये हमारा सब्जी हो रहा है। इस आमलेट दिन बाद जब सब्जी पक जाएगा तब।
देखिएगा जो हमारा सब्जी हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पराठे। नीचे से ऊपर तक ऐसे चलाएंगे, जब नहीं चलाना टूट जाएगा। फिर आपको इसमें भूल गया तो थोड़ा देर बाद कर देंगे। जब भी हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर कर देंगे। अंडा फ्राई करी रेडी है, कैसा लगा? आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।